आज एसटीईटी को लेकर के कुछ अभ्यर्थी जो है राजभवन मार्च कर रहे हैं। हमने न्यूज द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिलाधिकारी से बात हुई है। हमारी जिलाधिकारी से जब बात हुई तो वहां एक दृश्य बताया जा रहा है जहां एडीएम जो है वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। तो एक बात स्पष्ट हो दीजिए सब लोग कि आप सब लोग कई दिनों से देख रहे होंगे कि हमारे आवास में 10 सर्कुलर रोड हर जगह से, चाहे नियोजित हो, नियोजन वाले हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अभ्यर्थी हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो या शिक्षा डिपार्टमेंट के अभ्यर्थी हो, हर कोई आ रहे हैं बड़ी बड़ी संख्या में और हम मिल रहे हैं सब लोगों से, हम मिल रहे हैं और हम यही सारे विद्यार्थियों से अपील करेंगे कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी तो लड़ाई रही है रोजगार को लेकर के, नौकरी को लेकर के। और नई महागठबंधन की जो सरकार बनी है जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, 15 अगस्त को यह ऐलान ही हो गया कि 10 लाख तो नौकरी और उसके अलावा भी रोजगार की व्यवस्था कराएंगे, उसको 20 लाख तक पहुंचाएंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि लोगों को जो डाउट में था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो एक चीज स्पष्ट है कि लोगों को नौकरियां और रोजगार दोनों जो है वो मिलेंगे। हमारी यही अभ्यर्थियों से प्रार्थना है कि ये आपकी सरकार है, जनता की सरकार है, गरीब की सरकार है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। तो उनसे यही प्रार्थना है कि थोड़ा संयम बरके, हर चीजों को संयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सभी जगह निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई नौकरी जो पद रिक्त है उसको भरना है, हमको तो नेशनल एवरेज के मुकाबले भी आना है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। जब हम सब लोग आपकी बात को आवाज आते ही है, सब लोग अपनी बात रख ही देते हैं तो इसका कोई मतलब तो था नहीं, क्योंकि हम तो सुन ही रहे। तीन चार दिन से अगर आप मेरे फेसबुक टैगलाइन पे भी जाइए तो हम सब लोग उससे मिल रहे हैं, सब लोगों की बातें सुन रहे हैं और उसमें से कई अभ्यर्थी जो है कलम भी भेंट कर रहे हैं और किताब भी भेंट कर रहे हैं। तो हमारी इस मसले को लेकर के, क्योंकि हम लोग गंभीर हैं कि वो जो दृश्य जो भी हम लोगों ने देखा वो तो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था ऐसा, तिरंगे का अपमान बोली थी हम, नहीं होना था ऐसा। ठीक है ठीक। तो अब तो जांच कमेटी बनी ना गई है, जांच कमेटी बन गई है, कितना शीघ्र कार्रवाई की, पत्रकारों के साथ उन्होंने मारपीट की भाई, वो सारी चीजें। अब हम तो सब कुछ देखे हैं, ऐसा व्यवहार नहीं हो करना चाहिए। तो जांच कमेटी बनी है तो कार्रवाई ना है, विधायकों तो उसमें जांच होगी, विधानसभा में जो विधायकों की पिटाई हुई थी उसमें भी अधिकारी शामिल थे। पहले भी ऐसे कई बार थे, तब आप कर रहे थे, आप सरकार में है, क्या कार्रवाई होगी? आप जांच कमेटी बनाई गई है, जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग चिंतित नहीं होते तो शायद हम फोन भी नहीं करते जिलाधिकारी को। तो ये भाजपा के लोग, हम लोग तो है नहीं कि खाली जुमलेबाजी कर, जो बात है जो सच्चाई है उसको हमने सामने रखा और सभी लोगों को, सारे अभ्यर्थी से तो आप लोग जान ही रहे, हम मुलाकात कर ही रहे, ऐसा कोई नहीं है, चाहे गर्दनी बाग में बैठे हुए जितने लोग हैं वो भी उठ करके आके मिल रहे, तो सारी बात को तो सुना ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सुना नहीं जा रहा और सुनवाई नहीं हो रही और कार्रवाई नहीं हो रही।
उनकी बात को सुना जा रहा है और रोजगार और नौकरी के दिशा में कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये निश्चित रहे, इसमें जो है लोगों को घबराने नहीं। हाँ, 2 साल भाजपा के लोगों ने लेकिन जरूर खराब किया। आज जो भाजपा के नेता जो चीख चीख करके चिल्ला रहे हैं, उन लोगों ने बिहार के छात्र छात्राओं का भविष्य जो है अंधकार में रखा। 2 साल भाजपा के लोगों ने बर्बाद किया। अब हम काम कर रहे हैं उस दिशा में और हम तो कह ही है जल्दी ही आप लोगों को बड़ा अच्छा न्यूज भी मिलेगा। तब इतनी कुछ सारी बातें कह देने पर अब कुछ चीजें तो होती है ना कि भाई जो एसओपी है उसके प्रोटोकॉल में रह करके ही कार्रवाई की जानी होती। तो वही समय है और क्या।